हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, एजुकेशन से संबंधित वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 27 फरवरी 2020 के करंट अफेयर के बारे में। जो भी देखने वाले हैं इस वीडियो को, मैं ये चाहूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करें। हो सकता है कि आपके कोई इमेज हो या कोई स्टैटिक जीके का पार्ट हमने उसमें डाला हो, तो आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो इसके साथ ही हम लोग शुरू कर रहे हैं आज के करंट अफेयर। पहला है सैरोगेसी बिल, सैरोगेसी विधेयक। आपको मैं बता दूं कि सैरोगेसी क्या होता है, एक तरीके से किराए की कोख होती है, ठीक है। जिस भी मतलब कपल्स को बेबी नहीं हो रहा वो इसका यूज़ करके बेबी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक नई चीज़ें, नए प्रोविजंस इसमें क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं, वो क्या जोड़े गए हैं देखते हैं। तो पहली बात कि कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है। कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल ने क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। दूसरी बात कि एनी वीमेन इज अलाउड टू बी सैरोगेट, कोई भी महिला अब सैरोगेट मदर बन सकती हैं, ठीक है। पहले सिर्फ इसमें क्या होता था कि रिलेटिव्स को ही इसकी परमिशन थी, बट अब कोई भी हो सकती है। इवन विडो और डाइवोर्स वीमेन भी हो सकती हैं, सैरोगेट मदर क्या हो सकती है, बन सकती हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये दो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी वीमेन है और विडो और डाइवोर्स को भी अलाउड हो गई है मतलब। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज इंद्रधनुष 2020। तो एक्सरसाइज इंद्रधनुष जो है इंडियन एयरफोर्स और ब्रिटेन रॉयल एयरफोर्स के बीच होता है, तो हो सकता है कि शॉर्ट फॉर्म में IAF आ जाए और RAF आ जाए, तो ये ध्यान रखना है। तो ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है और इस साल जो एयरफोर्स एक्सरसाइज है इसका थीम रहा बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन, बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन। और कहाँ पर हुआ है, हिंडन एयरफोर्स बेस। हिंडन एयरफोर्स बेस कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगला जो है रेस 2020, ये एक समिट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज इन अप्रैल मंथ, ठीक है। अप्रैल के महीने में गवर्नमेंट जो है इसे ऑर्गेनाइज करने की सोच रही है। ये रेस है क्या, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट विल बी ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में आयोजित होगा, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन गेट स्टेटस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी कुंडली। तो कुंडली में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी है वो, और तंजावुर में जो फूड टेक्नोलॉजी है वो, इन दोनों को ही स्टेटस दिया गया है किसका, नेशनल इंपॉर्टेंस का। अगला जो है कंट्री विड्रॉल फ्रॉम UNHRC, UNHRC का मतलब है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। तो श्रीलंका ने खुद को इससे बाहर कर लिया है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके टोटल जो मेंबर नेशन हैं वो 47 हैं, ठीक है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 2006 में किसके थ्रू, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो अगला जो करंट अफेयर है वो ये है, 5-time ग्रैंड स्लैम विनर मारिया शारापोवा रिटायर्स। तो ग्रैंड स्लैम क्या होता है, टेनिस के जो सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं उनको हम ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। तो 5 times विनर रही थी मारिया शारापोवा, ठीक है। विमेन टेनिस प्लेयर थी, तो उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी कल, ठीक है। और आपको पता है कि GK के क्वेश्चंस, मैं देखना चाहूँगा कि कौन कौन से बच्चे जो हैं इसका आंसर कर पाते हैं और उनका कंसेप्ट क्या है। तो आज मैं हिस्ट्री के टर्म्स पूछ रहा हूँ, पहले मैंने ज्योग्राफी के पूछे, फिर मैंने इकोनॉमिक्स के पूछे, आज मैं हिस्ट्री के टर्म्स पूछ रहा हूँ। तो पहला जो है टर्म वो है अमाजू, दूसरा है पणि, तीसरा है श्रेष्ठिन, चौथा है सन्निधाता और पाँचवा है समाहर्ता। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के सेशन में। थैंक यू।